अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हुआ है 1 बजने वाला है, बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। बाहर बहुत गंदा हुआ है सारा, मिट्टी मिट्टी हुई है और वो बिल्ली सो रही है उधर। रात को ना बारिश हुई है, आंधी आई है, सारा घर गंदा हुआ है। बाहर चलते हैं, कल सुबह जो है बड़ी धूप थी और आज देखें मौसम, हवा चल रही ठंडी ठंडी। अंदर चलते हैं और आज ज़रा काम ज़्यादा है करने वाले। आज है 20 रमज़ानुल मुबारक और जिन जिन लोगों ने तकाफ़ पे बैठना है आज वो असर टाइम तकाफ़ पे बैठेंगे। और उस्मान ने भी आज तकाफ़ पे बैठना है तो उसके कुछ कपड़े वगैरह जो है ना वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो बाकी जो 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 काम है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जल्दी जल्दी से घर के काम कर लेते हैं। किचन साफ़ करना है, खाना शाना बनाना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, आज मैंने बनाने हैं मटन के कबाब और थोड़ी जल्दी जल्दी से आज मैंने खाना बनाया क्योंकि उस्मान को असर के टाइम छोड़ने जाना है मस्जिद, उसने तकाफ़ पे बैठना है आज। तो मेरी कोशिश है उसके जाने से पहले जो है ना मैं खाना कम से कम बना लूँ ताकि इफ्तारी जो है टाइम से पहुंचा सके। मैंने कीमा लिया है और उसको अच्छी तरह वॉश करके खुशक कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये मटन का कीमा है, आप लोग बीफ लें, चिकन लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मटन का कीमा था, इसमें फिर अब ऐड किया है मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हरा धनिया हरी मिर्चें बारीक काट के डाल लेनी है और फिर ऐड होना है इसमें। और यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ चम्मच से, जो कि ये हिल भी नहीं रहा। इसको बाद में मिक्स करेंगे, अभी ये क्रश चिली डाली है मैंने, रेड चिली पिसी हुई, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है सॉरी, वो ऐड की है, क्रश वाली रेड चिली। ठीक है, और नमक ऐड किया है और नमक आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना, थोड़ा डालें, ज़्यादा ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया 1 चम्मच और फिर इसमें जाएगा ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद इसमें जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं और इनको जो है ना ये लाल मिर्च ऐड की है, मिर्चें और नमक, मिर्चें खास करके आपने, इसमें ग्रीन चिली भी ऐड हो गई, चिली फ्लेक्स भी ऐड हो गए, रेड चिली पाउडर भी ऐड हो गया, ये ब्लैक पेपर भी ऐड हो गया। तो ये सारे जो मिर्चें हैं ना ये आपने थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, ये ना बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला कबाब बन जाए, बच्चों ने खाने हैं तो अपने हिसाब से आप लोगों ने स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं ये सारे। और उसके बाद मैंने एक अंडा इसमें डाल दिया, इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, कबाब टूटते बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है बड़े शशके मारने की कि ये चम्मच से मिक्स हो जाए, और चम्मच से ये मिक्स होने वाला कीमा है ही नहीं था और ना इस तरह की चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से मिक्स होती हैं चम्मच वगैरह से। तो इसके लिए ये देसी तरीका जो है ना हाथों का बेस्ट रहता है। अच्छी तरह से हाथों से हमने इसको सारे स्पाइसेस को और कीमे को मिक्स कर लेना है ताकि सारा कीमे में सारा फ्लेवर आ जाए। और जो है ना ये मैं अनियन पाउडर डालना भूल गई थी, आपने ये प्याज का पाउडर है, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप प्याज को जो है ना चॉपर में चॉप करें और उसका पानी निचोड़ के वो भी ऐड कर सकते हैं, पानी निकाल दें प्याज का और प्याज ऐड कर लें। तो मेरे पास फ़िलहाल ये अनियन पाउडर पड़ा था, मैंने वो ऐड कर लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और इस तरह से ये एक स्टिक है मेरे पास पड़ी हुई, मेरे पास ये चॉप स्टिक्स नहीं होती जो चाइनीज़ जिनसे खाना खाते हैं, ये फ़िज़ान को बहुत शौक है इससे खाना खाने का, तो ये फ़िज़ान साहब की चॉप स्टिक्स है, इसका इस पर लगा के मैंने इस तरह कबाब रेडी कर लिए हैं। और बाइंडिंग देखें इतनी अच्छी हुई है, कोई कबाब फ्राई करते हुए भी नहीं टूटता। अगर आपसे ये ना बने तो आप टिक्कियाँ बना लें, टिक्कियों की शेप में इजी होती है। तो इस तरह से मैंने सारे कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह 1 किलो कीमा था
और काफ़ी ज़्यादा कबाब बन गए थे। तो सारे कबाब इस तरह बना के रख लिए हैं, कोई मैंने इनको फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो फौरन मैंने इनको फ्राई किया और मैंने एक तरफ़ फ्राई पैन रख लिया था, एक तरफ मैंने तवा रख लिया था ताकि जल्दी जल्दी से काम हो सके, क्योंकि ये हल्की आग पे पकना होता है और स्टीम में इसको पकाना होता है तो इसको काफ़ी टाइम लगता है पकने में। एकदम हम तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये फ़ौरन बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन कीमा कच्चा रह जाएगा। तो इसको मैं जो है ना ढक्कन दे के पकाती हूँ हल्की आँच पर, तो इसलिए मैंने दोनों साइडों पर जो है ना चीज़ें रख ली हैं, एक तरफ़ फ्राई पैन और एक तरफ तवा, और इस तरह से डाल के आपने इसको कवर कर देना ढक्कन से, और तवे के ऊपर भी मैंने कवर दे दिया था ताकि इसका पानी में अपने पानी में ये पक जाए कीमा। और इसकी अब जो है ना ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने जो टमाटर हैं उनके सारे छिलके उतार लिए थे और उनको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर देना है। तो टमाटर भी ये 8-9 टमाटर थे बड़े साइज़ के, इनके मैंने छिलके उतार के इनको ब्लेंड कर लिया है। और साथ ही साथ ये देखें कबाब कितने प्यारे पक चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पकते जाएंगे तो इनको प्लेट में निकाल के रखते जाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ये कबाब बनाए हैं। और फिर हम एक देसी लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया मैंने, इसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि अदरक लहसुन जो है ना फ़ौरन से वो ब्लैक होने लग जाता है। तो साथ ही इसके अंदर मैंने ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इसके अंदर अब स्पाइसेस डालूंगी, ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेना है, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा क्योंकि हमने ये सारे स्पाइसेस जो है ना कबाब में भी ऐड किए हैं, तो इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं। अब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, ठीक है, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और गर्म मसाला, और ये है जी गरम मसाला, ये इसमें ऐड किया है, और काली मिर्चें वगैरह, ये तमाम स्पाइसेस ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसको दो मिनट पकाना है, कवर ढक्कन दे के इसको दो मिनट पका लेना है। उसके बाद इसमें जो कबाब मैंने फ्राई किए हैं ना वो सारे इसमें डाल देने हैं, ठीक है। इसमें डाल के आपने हल्की आँच पर ना इसको कवर करके ढक्कन दे के इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। इससे क्या होगा, जो वो कबाब है ना वो हार्ड नहीं होते, कबाब बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और जब ये पक जाए और ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाए तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं लेमन, 2 से 3 लेमन ऐड कर दें, और इस तरह ये बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट वाले कबाब जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। ये है इनकी फ़ाइनल लुक, और मेरे बच्चों को ये आजकल बहुत पसंद आए हुए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ये कबाब ही बन रहे हैं मेरे घर में, तो आप लोग भी ट्राई करें, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। और जल्दी जल्दी से मैंने साथ में तैयारी कर ली है, ये बिस्तरे वगैरह रेडी हैं उस्मान के, और असर का टाइम हो गया था, और ये बिल्कुल हमारी साथ वाली सोसाइटी में है मस्जिद, बड़ी प्यारी सी मस्जिद है, और ये असर का टाइम था तो सारे लोग तकरीबन नमाज के लिए नमाजी आ रहे थे मस्जिद में, क्योंकि असर के टाइम जिन लोगों ने इतकाफ़ पे बैठना होता है वो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वहीं पर इतकाफ़ पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम था, प्रॉपर से कैबिन बने हुए थे, और उस्मान और उसके बाबा जा रहे हैं बिस्तरे वगैरह लेके, और यहाँ पे ये नमाजी भी माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी मस्जिद थी और बिल्कुल हमारे घर के 5 मिनट के फासले पे ही है। और ये मेरा बेटा आया था मुझसे मिलने के इतकाफ़ पे बैठने लगा, और अल्लाह ताला सब की इबादतों को नमाज़ों को कबूल करे। ये थोड़ा सा कैमरा शाया है इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करती, और यहाँ पे इसके बाबा इसे समझा रहे हैं कि इबादत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको फिर छोड़ के हम घर आ गए थे क्योंकि घर आके मैंने जल्दी जल्दी से जो अफ्तारी की तैयारी थी वो भी करनी थी बाकी की, और यहीं पे आज का व्लॉग करूँगी एंड। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। और यहीं पर अपने वीडियो का करती हूँ एंड, मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।